सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रितेश और आप देख रहे हो मी टॉक्स। तो गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग कोई भी इन्यूमरेटर को किस वक्त और किसी भी वक्त हम लोग इसको इन्यूमरेटर को डीअसाइन कर सकते हैं। मतलब कोई भी इन्यूमरेटर अगर काम नहीं कर रहा है किसी भी एरिया में या किसी भी ब्लॉक में उसको अलॉटमेंट किया गया है और वो काम शुरू ही नहीं किया है, या फिर कोई भी आधा काम करके वो पूरा काम नहीं कर रहा है, तो उस तरह का इन्यूमरेटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, डीअसाइन कर सकते हैं किसी भी वक्त। और उसी ब्लॉक में जो भी ब्लॉक वो इन्यूमरेटर को दिया गया था उसी ब्लॉक में दूसरा एक इन्यूमरेटर को दे सकते हैं और वो आधा काम या फिर पूरा काम शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरा वीडियो पे अभी नए हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर पूरा नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि कैसे हम लोग क्या इन्वर्टर को कैसे डीएसएन करते हैं और कैसे रिएसन करते हैं। और अगर कोई भी गलती हो जाता है तो आपको इन्वर्टर सेंसस में पूरा का पूरा सब कुछ गलत हो जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा देख के आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आपको प्रोसेस करना पड़ता है और क्या क्या परेशानी आपको आ सकता है कोई भी इन्वर्टर को रिएसन करते समय या फिर डीएसएन करते समय। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, उसके पहले मैं बताता हूँ, अगर आप मेरा वीडियो पे आप नए हो, मेरा वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि कोई भी इकोनॉमिक सेंसस में कोई भी गलती ना हो। और मेरा वीडियो में इस तरह का वीडियो बहुत सारा मिल जाता है, आप जो भी मेरा चैनल में जाके आप देख सकते हो। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ एक बेल आइकन होगा, बेल में क्लिक करिए ताकि मेरा फ्यूचर वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, चलते हैं शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपका जो इकोनॉमिक सेंसस का डैशबोर्ड है उसमें आपको लॉगिन हो जाना है, कोई भी एक ब्राउजर खोल के, मतलब आपका आईडी एंड पासवर्ड डाल के आपको डैशबोर्ड में आ जाना है। ठीक है, इस तरह का डैशबोर्ड, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप डायरेक्टली लॉगिन हो सकते हो। तो उसके बाद डैशबोर्ड में आ जाने के बाद आपका जो इकोनॉमिक सेंसस का पूरा का जिन्हें सब पूरा जितना सारा डिटेल्स है वो आपको वो डैशबोर्ड में शो करेंगे, जैसे कि इन्यूमरेटर नेम जो नॉट असाइंड है, और फिर जो भी असाइंड है, या फिर कौन सा ब्लॉक में काम चल रहा है, कौन सा ब्लॉक बाकी है काम करना, कितना हाउस होल्ड आपको दिया गया है, कितना हाउस होल्ड आपका हो चुका है, और कितना सब कुछ आपका पूरा का पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करेंगे। तो आपको क्या करना है, इन्यूमरेटर जो यूज़र है इसमें क्लिक करना है। जब भी इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ रहा है यूज़र लिस्ट डीएसएन। ठीक है, तो हमारा जो इन्यूमरेटर है, दो नंबर इन्यूमरेटर, इसको हमको डीएसएन करना है क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको व्यू में क्लिक करेंगे। जब भी हम व्यू में क्लिक करेंगे आपको लिखा हुआ रहा है देखिए डीएसएन, तो आपको क्या करना है, यहाँ में डीएसएन में क्लिक करना है। जब भी आप डीएसएन में क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप दिया जाएगा, उसमें आपको लोग सिलेक्ट करना है यस डीएसएन इट, उसमें क्लिक करना है। जब भी आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपका जो इन्यूमरेटर है वो आपको डीएसएन हो जाएगा। और मैंने इसको ब्लॉक नंबर 1 पे यूनिट 11 पे हमने इसको डाला था, वो काम शुरू ही नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरह से डीएसएन कर सकते हो। उसके बाद उसी प्लेस में मैं दिखा देता हूँ कि अभी जो ब्लॉक से मैंने डीएसएन किया है वो ब्लॉक अभी भी मतलब खाली हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए एरिया अलॉटमेंट में जाएंगे और न्यू अलॉटमेंट में जाएंगे। जब न्यू अलॉटमेंट में जाएंगे तो आपको देखिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, देखिए ब्लॉक जो एरिया है टाउन है, उसके बाद ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर 11 पे देखिए मैंने यूएसपी ब्लॉक डाला था 1 पे, वो 1 अभी खाली हो चुका है। उसी 1 पे हम किसी भी इन्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करते हैं, हम लोग फिर से एरिया अलॉटमेंट में जाएंगे, और एरिया अलॉटमेंट में जाके हम लोग कैसे इसको रीअसाइन करते हैं कोई भी इन्यूमरेटर को, जो भी इन्यूमरेटर बाकी है उसको काम देना, तो हम लोग उसको काम दे सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एरिया अलॉटमेंट में जाएंगे फिर से, उसके बाद न्यू अलॉटमेंट में जाएंगे। जब हम न्यू अलॉटमेंट में जाएंगे तो आपके पास एक पेज खोल के आ जाता है एरिया अलॉटमेंट का, तो उसमें अर्बन तो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड होता है, फिर टाउन भी ऑटोमेटिक सिलेक्टेड होता है, या फिर दो टाउन दिया गया है तो आपको वो टाउन सिलेक्ट कर लाना है। इसे हमें पिन कोड भी आप डाल सकते हो, जो भी पिन कोड यहाँ में लिस्टेड नहीं है। उसके बाद आपका जो ब्लॉक है वो सिलेक्ट कर लेना है, कौन सा ब्लॉक में कौन सा इन्यूमरेटर को देना है वो आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं 1 में दे रहा हूँ यूएसपी ब्लॉक में। और जो वार्ड नंबर है, वार्ड नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं फटाफट से, मतलब थोड़ा स्पीड में डाल के दिखा दे रहा हूँ कि कौन सा ब्लॉक, मतलब जो वार्ड है वो वार्ड में फटाफट से यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, वार्ड डालने के बाद देखिए नीचे पिन कोड लिखा हुआ है, तो हम लोग जितना भी पिन कोड उस ब्लॉक में आता है तो सारा पिन कोड हम यहाँ पे डाल देते हैं फटाफट से, थोड़ा फास्ट कोड में डाल के। पिन कोड डालने के बाद हम आगे का प्रोसेस बताएंगे क्या प्रोसेस है। तो हमने डाल दिया है पूरा का पूरा जितना पिन कोड था उस एरिया में। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है टोटल हाउस होल्ड, तो 2013 के अलावा आपका जो भी टोटल हाउस होल्ड उस एरिया में सेंसस में हुआ था, तो वो जो भी आपका लिस्ट है उस लिस्ट में मिल जाएंगे, उस अमाउंट को यहाँ पे डाल देना। जैसे कि मेरा 270 है उस ब्लॉक में 2013 के द्वारा, वो हमने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड होता है,
वो आपको उस मैनेजर के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इन्यूमिनेटर जो है, जो भी इन्यूमिनेटर लिस्ट में है उसी लिस्ट में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको सबमिट में क्लिक करना है। तो इस तरह से हम लोग सबमिट करेंगे और आपको जो इन्यूमिनेटर है वो उस एरिया में फिर से कोई नया एक इन्यूमिनेटर रिसाइन हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग कोई भी काम स्मूथली सेंसस के काम शुरू कर सकते हैं या स्मूथली काम करवा सकते हैं आपके इन्यूमिनेटर को। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय। प्लीज़ मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप रेफर कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।